आपका स्वागत है हमारे चैनल बर्नौल फ्रेंचाइजी में, जहां इतिहास, भूगोल, राजनीति की बातों से लेकर मीम्स, मूवीज और एंटरटेनमेंट तक की बातें आपको सिर्फ एक चैनल पर मिलती हैं। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के इतिहास की और वहां के रहने वाले एबोरिजिनल लोगों की, और जानेंगे कि कैसे ब्रिटिश ने ऑस्ट्रेलिया को एक ब्रिटिश कॉलोनी बनाया, और यह भी जानेंगे कि कैसे यहाँ के नेटिव एबोरिजिनल लोगों का बर्बरतापूर्वक दमन किया गया। ऑस्ट्रेलिया के नेटिव लोग, जिन्हें एबोरिजिनल्स भी कहा जाता है, उनके पुरखे उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने अफ्रीका को छोड़कर नए जगहों की तलाश की लगभग 39,000 से 65,000 साल पहले। वे ऑस्ट्रेलिया साउथ ईस्ट एशिया के रास्ते पहुंचे। एबोरिजिनल्स के कई ग्रुप्स थे जिसमें कई तरह की भाषाएं बोली जाती थी और कई विविध संस्कृतियां उपस्थित। आइए हम देखते हैं कि अब यूरोपियन लोगों का ऑस्ट्रेलिया में कैसे आगमन हुआ। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक डच कंपनी थी जो इंडोनेशिया में अपना व्यापार करती थी, उनकी कई शिप्स गलती से इंडोनेशिया जाने की जगह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तटों पर पहुंच गईं। उनमें सबसे पहले 1606 में विलियम जेन्स जून अपनी शिप डोफकेन में ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, और डच लोगों ने इसे न्यू हॉलैंड का नाम दिया। आइए हम जानते हैं कि कैसे ब्रिटिश लोगों का ऑस्ट्रेलिया में आगमन हुआ। 1740 में ब्रिटेन की जनसंख्या में एक जबरदस्त उछाल आया, जिसके कारण कई लोग ब्रिटेन के शहरों में गरीबी और भूखमरी से मरने लगे। गरीबी के चलते कई आपराधिक घटनाएं बढ़ने लगीं और कैदियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ। कैदियों को पहले अमेरिका के मैरीलैंड एंड जॉर्जिया भेजा जाता था, पर 1770 और 1780 में जब अमेरिका एक अलग देश बन गया और ब्रिटेन का अधिकार उस पर से हट गया, तब ब्रिटिशों को एक खोज थी एक नए जगह की, जहां वे ब्रिटेन की समस्या का समाधान निकाला कैप्टन जेम्स कुक ने। 1770 में कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को कैदियों के लिए उपयुक्त माना। 1788 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बॉटनी बे में अपना पहला पीनल कॉलोनी यानी दंड नगर बनाया। ब्रिटेन ने अपने कैदियों को यहाँ भेजना शुरू कर दिया। कैदियों के अलावा फ्री सेटलर्स भी ऑस्ट्रेलिया आए, जिन्हें नए जगहों की तलाश थी। जब 1851 में ऑस्ट्रेलिया में सोने की खोज हुई, तो कई देशों से लोग इस सोने को अपना बनाने के लिए आने लगे। आइए हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स के आने से एबोरिजिनल लोगों पर क्या प्रभाव पड़े। जब ब्रिटिशर्स आए, वे अपने साथ कई नई बीमारियां लाए, जिससे एबोरिजिनल लोगों को कई नुकसान हुए। कई लोगों की जानें गईं, जैसे स्मॉल पॉक्स से सिडनी के विसिनिटी में रहने वाले 50% एबोरिजिनल आबादी का खात्मा हो गया। धीरे धीरे ब्रिटिश लोगों ने जमीन और पानी पर अपना कब्जा बनाना शुरू कर दिया। ब्रिटिशों ने जमीनी कब्जे के लिए कई लड़ाइयां लड़ी, जिसमें उन्होंने अपने आधुनिक हथियारों के दम पर एबोरिजिनल्स के कई ग्रुप्स का खात्मा कर दिया। कई एबोरिजिनल बच्चों को कब्जे में लेकर उनसे मजदूरी कराई गई। 19वीं सदी में उन्हें खेती लायक हरे मैदानों से खदेड़कर रेगिस्तानों में रहने की को मजबूर कर दिया गया। उन्हें अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले लेने का अधिकार भी उनसे छीन लिया गया, जैसे शादी, फसल और पढ़ाई जैसे फैसले प्रोटेक्टर्स द्वारा लिए जाने लगे। प्रोटेक्टर्स ज़्यादातर ब्रिटिश अथवा एंग्लिकन प्रीस्ट हुआ करते थे। एबोरिजिनल्स लोगों की सुरक्षा के नाम पर ब्रिटिश ने उनसे उनके सारे हक छीन लिए। उनके बच्चों को उनसे अलग रखा जाने लगा, ताकि वे अपनी मातृभाषा ना सीख पाएं। उन्हें बड़े पैमाने पर क्रिश्चियन बनाया जाने लगा। 1941 के बाद से उन इंस्टीट्यूट्स को, जहां अपने माँ बाप से अलग किए गए एबोरिजिनल बच्चे रखे जाते थे, उन्हें पैसे दिए जाने लगे, जिसके चलते कई राज्यों ने एबोरिजिनल बच्चों को माँ बाप से अलग रखना बड़े स्तर पर शुरू कर दिया, और उन बच्चों को पैसा कमाने का एक नया जरिया बना दिया गया। यह सुनिश्चित किया गया कि बच्चे अपने माता पिता को फिर कभी ना देख पाएं, और उन्हें एक दूसरे से काफ़ी दूर कर दिया गया। बच्चों के नए इंग्लिश नाम रख दिए गए। बच्चों को सिखाया गया कि काले लोग बुरे होते हैं और उन्हें उजली त्वचा पसंद है। 1788 से 1962 तक एबोरिजिनल को ऑस्ट्रेलियन सिटीजन नहीं माना जाता था, जबकि वही वहां के नेटिव सिटीजन थे। यूएन के दबाव के बाद ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स को वोट देने का अधिकार 1962 में दिया गया। इसी बीच सरकार ने एबोरिजिनल्स की संस्कृति को खत्म करने के लिए कई पॉलिसीज बनाई। 10,000 से ज़्यादा एबोरिजिनल बच्चों को अपने माता पिता से अलग रख दिया गया। 20वीं सदी आते आते विदेशी बीमारियों,
जमीन अधिग्रहण और ब्रिटिश द्वारा हिंसा के कारण एबोरिजिनल्स की 80% आबादी का खात्मा हो गया। आज के समय में ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिनल्स की संख्या पूरी आबादी के सिर्फ 3.3% ही है और यह लगातार कम होते जा रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।